हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो सर, मॉर्निंग में सबसे पहले चाय बनाई, चाय बनाने के बाद बिस्किट मंगाए, फिर यहाँ पर मेरा भाई हलवा पूरी लेकर आया था तो हलवा पूरी भी खाई। फिर यहाँ पर अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था तो सबसे पहले प्याज काटी, प्याज को तेल में, गर्म तेल में डाल दिया। अब हल्के हल्के मैं सौते कर रही हूँ, हल्की सी थोड़ी सी ब्राउन होगी तो उसमें टमाटर हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी क्योंकि दाल बहुत अच्छी बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दाल ऐड कर दी थी, अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो आज मैं बना रही हूँ भुनवा वाली दाल। तो भुनवा वाली में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, बहुत अच्छी पकती है। तो अब यह आहिस्ते आहिस्ते इसको भूनूंगी, भून कर इसमें फिर ही पानी डलता है और ये बहुत बहुत अच्छी दाल होती है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट है। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके फिर मैंने सफाई करी घर की, डस्ट क्लीनिंग की। फिर यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ, जल्दी जल्दी करके मैंने आटा गूंद लिया। यहाँ पर मेरी दाल गल चुकी है, अब यहाँ पे मैं हल्का हल्का इसको घोट रही हूँ क्योंकि घोटने से बहुत अच्छी दाल बनती है। टमाटर जो हरी मिर्ची होती है वो पूरी मैश हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का घोट रही हूँ दाल। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो, शेयर किया करो। मैं इतनी कोई मेहनत करती हूँ, आटा तो मैंने गूंद लिया था जैसे कि आपने देखा था। अब यहाँ पे मेरा रोटी बनाने का टाइम हो गया था क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे रोटी पकानी थी क्योंकि जब भूख लगती है घर वालों को तो फिर जल्दी जल्दी ही करना होता है सब कुछ। और इसके बाद मैं आराम आराम से रोटी बेल रही क्योंकि रोटी तो गोल अच्छी लगती है ना, तो इसलिए अब ये रोटी मैं डालने लगी हूँ तवे पर अच्छी तरीके से। गैस भी मैंने तेज़ कर दिया था क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता, कभी स्लो हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि बस सर्दियों में ना थोड़ी सी, अभी ठंड इतनी नहीं है, थोड़ी सी है, तो गैस का बहुत इश्यू हो जाता है। बस क्या करें, लाइट वालों और गैस वालों को कुछ भी नहीं कह सकते, वो अपनी की मर्ज़ी, अपनी मालिक की मर्ज़ी है। कभी गैस चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी भी नहीं होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। चलो खैर है, छोटे मोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।